ये है वेदर। मैं घर से निकल गई हूँ, बना ही नहीं पाऊंगी पता ही। Hey guys, it's welcome back to my channel with another vlog. So कैसे आप सब लोग, hope you all are doing well. मैं भी ठीक हूँ। So after long time मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ। इतना दिन किसी चीज़ में थोड़ा सा बिजी थी, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं ला पा रही थी। एंड ना अभी पुणे में एक महीना से कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है। सो वेदर देख लो, एकदम फॉगी फॉगी वेदर होके रखा है। अभी भी बारिश हो ही रहा है, यहाँ पे रेड अलर्ट भी चल रहा है, अभी आज भी है शायद। मैं ना आज बैक कैमरा से ब्लॉग कर रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं। सो आज जो है, आज है मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे एंड मैं वहाँ पे जाऊँगी। सो मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो अभी मैं निकलूँगी और सबसे पहले तो अपना आईब्रो करूँगी। देखो मेरा आँख का हाल क्या होकर रखा है। सो सबसे पहले मैं आईब्रो करूँगी, आईब्रो करने के बाद उसके बाद मैं जाऊँगी उसके लिए गिफ्ट लाने। तो चलो चलते हैं, देखते क्या गिफ्ट लेती हूँ। एंड हाँ, सावन चल रहा है इसीलिए मैं मेहंदी लगाई थी, अभी थोड़ा थोड़ा उठ भी गया है, फिर से लगाऊँगी। सो चलो चलते हैं, क्या गिफ्ट लेती हूँ वो देखते हैं। ये है वेदर गाइस, एंड आप लोगों से बात करते करते फिर से बारिश स्टार्ट हो गया। वीडियो तो ना हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अभी 11:15 हो रहा है। और सो ना हम लोगों को बर्थडे पार्टी में जाना है 1 बजे, दोपहर को है। सो गाइस मैं घर से निकल गई हूँ एंड ना सबसे पहले मैं जाऊँगी सलोन में। अभी 11 बज रहा है, पता नहीं खुला है कि नहीं खुला है। मेरे घर के सामने ही है जावेद हबीब, वहाँ पे जाऊँगी, जाकर सबसे पहले आईब्रो करूँगी, देन मैं जाऊँगी। कहाँ पे जाएंगे गिफ्ट खरीदने, मतलब फिनिक्स मॉल पे? नहीं, देखना पड़ेगा एड्रेस। ओके, एक्चुअली तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है ना, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, बहुत ही मेरी स्पेशल फ्रेंड है पुणे में तो ना मैं आप लोगों को मिलाऊंगी मेरी फ्रेंड्स से, कि मैं नहीं आ सकती हूँ बर्थडे में, मेरे को मुंबई जाना है आज। मेरे को जाना था बट हमने वो कैंसिल किया। हाँ, ओ मैं पहुँच गई। सो मैं पहुँच गई हूँ, अभी आईब्रो कर लेते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ। आईब्रो एंड ना मेरा हेयर गीला था तो सुबह सुबह मैंने हेड वॉश किया था, तो फिर मैंने ब्लो ड्राई भी कर लिया। एंड ऐसा है, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बोटॉक्स एंड स्मूथनिंग कराया था ना, तो स्मूथनिंग में कर्ल्स आता नहीं है, जस्ट नॉर्मल सा ब्लो ड्राई कर दिया है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अभी ना सीधा जाएंगे घर, क्योंकि यहाँ से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है। अगर यहाँ से भी मैं गई गिफ्ट लेने के लिए और उसके बाद बर्थडे में जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि बारिश हो रहा है, रास्ते में बहुत जैम होगा। सो अभी सबसे पहले घर ही जाती हूँ, घर जाकर रेडी होके एक बार मैं गिफ्ट लेके फिर मैं जाऊंगी बर्थडे पार्टी। और बर्थडे पार्टी में हम लोगों को पहुंचना है 1:30 तक, अभी 12:10 हो रहा है ना। सो चलो चलते हैं। एंड बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, कैमरा थोड़ा सा पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो चलो अभी घर चलती हूँ, रेडी होके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ एंड ये है मेरा आज का फुल लुक। बहुत जल्दी जल्दी हुई हूँ, पता नहीं मेरे को कैसा लग रहा है। लिफ्ट भी नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है ना बहुत। जल्दी जल्दी ना आज मैं 10 मिनट में रेडी हुई हूँ, जस्ट ड्रेस चेंज किया, थोड़ा बहुत मेकअप किया एंड निकल गए। अभी पता है हम लोगों को ना 1:30 तक पहुंचना है एंड अभी टाइम हो रहा है 1:10, और यहाँ से पहले मेरे को फिनिक्स मॉल जाना है। यहाँ से फिनिक्स मॉल भी जाने में 20 मिनट्स टाइम लगेगा ना, आधा घंटा, 1 घंटा और 1.5 घंटा, मतलब 2:30 पहुँचेंगे हम लोग। सॉरी जियांशी, शायद आपका केक कटिंग में हम लोग नहीं आ पाएंगे बट मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। लेट हो गया यार, यहाँ पे इतना बारिश हो रहा है ना 1 महीना से। आज तो फिर भी थोड़ा सा धूप उठा है, मतलब
कंटिन्यूसली बारिश ही हो रहा था इतना दिन से, कंटिन्यूसली बारिश ही हो रहा था। सो ना अभी फिनिक्स मॉल जाएंगे। जैम में फंस गए हैं गाइस, अभी पता नहीं जैम कब खुलेगा, धीरे धीरे तो चल रहे हैं। फाइनली वी हैव रीच मिलेनियम मॉल। अभी ना यहाँ पे आज मेरे को इतना लेट होगा, ये हम यहाँ पे बाहर पार्किंग नहीं कर सकते और पार्किंग के अंदर जाने से टाइम ही टाइम बहुत टाइम चाहिए, तो हम अंदर ही जाना पड़ेगा। देखो बहुत सुंदर मॉल है ये, मैं ना आप लोगों को उधर से जाके दिखाती हूँ। बोली थी मैं आप लोगों को, मिलेनियम मॉल के अंदर मतलब पार्किंग में भी इतना ज़्यादा जैम होता है ना, कभी कभी तो हम लोग एक घंटा भी रुकते हैं। देखो वहाँ पे तो सामने नहीं था बट अंदर आके ना फिर से जैम। और 1:30 अभी हो गया है टाइम, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, देखो 1:30 टाइम अभी हो गया है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। जीवा में गई थी, सोची कुछ ज्वेलरी लूँगी, लेकिन फीट्स मेरी फ्रेंड बहुत छोटी है, बच्चा लोगों के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे दो ड्रेस लिया है एंड ना मिनीसो से एक क्यूट सा टेडी लिया है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, चलो हम लोग निकल गए हैं मॉल से। मैंने शॉपिंग कर लिया है, गिफ्ट ले लिया है, सब कुछ टाइम पे ही हो गया था, बट देखो ट्रैफिक हर जगह पे ट्रैफिक। तो इससे ना 15-20 मिनट से खड़े ही है यहाँ पे, इसलिए लेट हो गया। एंड अभी ना टाइम 2:30 हो गया है, सो ऑलरेडी मैं एक घंटा लेट हो चुकी हूँ। मैं आप लोगों को पहले ही बोली थी 3 बजे से पहले मैं पहुँच नहीं पाऊँगी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, एकदम थोड़ा थोड़ा जा रहा है और रुक रहा है बस। सो ट्रैफिक की वजह से मैं बहुत लेट हो गई, सॉरी जियांशी, सॉरी मैं बहुत लेट हो गई। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जियांशी की बर्थडे में। सो गाइस ये है मेरी फ्रेंड एंड शी इज अ बर्थडे गर्ल, है आज का बर्थडे गर्ल। हाई करो, हाय, हैप्पी बर्थडे जियांशी। थैंक यू। बहुत गुस्से में आप क्या बन क्या रहा है? ये क्या है?
तो अभी हम लोग निकल गए हैं, बर्थडे पार्टी बहुत ही अच्छा था एंड अभी जा रहे हैं घर। और बर्थडे गर्ल बहुत बिजी थी, बहुत बिजी नहीं तो मैं सोची थी आप लोगों से बात कराऊंगी। एंड ये मेरी पुणे में एक छोटी सी फ्रेंड है, वो मेरे को बोलती है मैं उनकी फ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग के पहले ही बोली। यहाँ पे इतना सारा ब्रेकर है ना, रुक जाओ ब्रेकर कंप्लीट होने दो। हाँ, उनके और भी दोस्त आए थे, मैं भी उनकी एक फ्रेंड हूँ, वो मुझे अपनी फ्रेंड बोलती है। सो पुणे में मेरी एक छोटी सी बहुत क्यूट सी फ्रेंड है, जिनका आज बर्थडे था, जिनके बर्थडे से मैं अभी आ रही हूँ। बहुत ही अच्छा बर्थडे था, बहुत मस्ती की, बहुत मजा आया, अभी घर जा रहे। सो आज की ब्लॉग यहीं पे खत्म होती है, फिर कल मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो।